हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेंस्ट्रो क्लासेस एंड दिस इज नयश्री। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की, यानी कि AWES की। तो AWES की जो आपकी एप्लीकेशन है, ये आपकी शुरू हो चुकी है 25 अगस्त से, और आप 5 अक्टूबर तक इसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये काफी अच्छी जॉब होगी अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वही सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ने, अगर आप KBS की तैयारी कर रहे हैं तो वही सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर है, कुछ आपको अलग से करना नहीं है। लेकिन हम इन वैकेंसीज पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ सुपर टेट का एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप इन पर भी फोकस करेंगे तो आपका इनमें भी सिलेक्शन हो सकता है। कुछ दिन पहले मैंने आपको इसरो के बारे में इन्फॉर्म किया था, और आज मैं आपको यहाँ पर AWES के बारे में इन्फॉर्म करने वाली हूँ। सो ध्यान से यहाँ पर आपको सारी वीडियो देखनी है, और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका एप्लीकेशन कब से आपका ये प्रारंभ हुआ है। तो आपको मैंने बता दिया है कि 25 अगस्त से आपका शुरू हो चुका है, और 5 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी एग्जाम डेट भी बताई गई, ऐसा नहीं है कि एग्जाम डेट आपको बताई ना गई हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एग्जाम डेट भी बताई गई। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन होगा पढ़ने के लिए कि आपके पास कितना टाइम है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 या 6 नवंबर को जो है आपका एग्जाम होगा, तो ये भी आपको देखना है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो AWES में आपकी कभी भी नंबर ऑफ पोस्ट नहीं बताई जाती है, क्योंकि ये आपके बाद में बताते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट आपकी नहीं बताई गई है, हालांकि आपके PRT, TGT, PGT तीनों ही पदों के लिए इन्होंने जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज की, अगर आप फ्रेश हैं, यानी कि फ्रेश का मतलब है जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक, अगर आप फ्रेश हैं तो आप आसानी से, अगर 40 साल से कम के हैं, 40 साल के, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं टीचिंग की हुई है, तो उस केस में आप 57 ईयर्स के भी होंगे तो भी आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है एज के बारे में। अगर आप फ्रेशर हैं, यानी कि पहले आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ है, कहीं पर आपने टीचिंग नहीं की है, तो आप 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अदर की बात करें, जिनको कोई एक्सपीरियंस है, तो 57 ईयर्स तक अपना जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्टेजेस के। तो देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों का यहीं पर होता है स्टेजेस में, कि ये जो आपका फॉर्म है ये AWES का, इसमें किस तरीके से आपका एग्जाम होता है, क्या इसमें हमें सीटेट चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा। तो यहाँ पर बस दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका है कि आपकी स्टेज किस तरीके से है, ये किस तरीके से आपका एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और दूसरा सीटेट वाला, कि सीटेट चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा। तो इन दोनों ही चीजों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम स्टेजेस की बात करें, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें आपका होता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। और इस टेस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इस टेस्ट को दे लेंगे, तो तुरंत आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, यानी कि आपको तुरंत आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप टेस्ट देंगे अपना, तुरंत आपको वहां पर आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर जब आपका 15 से 20 दिन हो जाएंगे एग्जाम के बाद, और आपने अगर क्वालिफाई किया होगा, तो आपको वहां पर एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आपके 3 ईयर्स तक वैलिड होता है। 3 साल तक आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा, इस 3 साल के दौरान अगर आपकी कोई भी वैकेंसी आती है AWES की तरफ से, कहीं पर भी आपकी वैकेंसी आती है, तो एक तो देखिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी कि अगर इनके द्वारा कोई वैकेंसी रिलीज की गई होगी, या फिर आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में, अमर उजाला वगैरह में आपने देखा होगा कि एक हमारा जॉब वाला एक कॉलम होता है, तो वहां पर भी इनसे रिलेटेड आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो आपको देखिए अवेयर रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अगर इनकी वैकेंसीज आती है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गई, आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना, वो सर्टिफिकेट आपका 3 साल तक वैलिड होगा। उस 3 साल के दौरान अगर आपकी इनकी द्वारा कोई वैकेंसी आती है, तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपको न्यूज़पेपर भी देखना पड़ेगा, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करना होगा। अपने फ्रेंड्स के टच में रहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उन लोगों से भी चीजें पता चल जाती है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो आपका होगा ही, तो अगर आपने इंटरव्यू और ये आपने क्वालिफाई कर लिया, तो यहाँ पर आपको जॉब पक्की है आपकी। यहाँ पर एवेल्युएशन, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है, एवेल्युएशन सिर्फ उन्हीं का होगा जो लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, अदर जो है, जैसे आपका PRT है, तो PRT में लैंग्वेज टीचर नहीं होगा, तो वहां पर आपका नहीं होगा एवेल्युएशन। लेकिन अगर आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं, तब आपका एवेल्युएशन होगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, वही एलिजिबिलिटी है, अगर आप PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा अगर आपके पास DLED है, या फिर अगर आपने BEd किया हुआ है, BLED किया हुआ है, तो आप PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें TGT की, तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस आपके पास BEd होनी चाहिए। ठीक है,
बीएड होना ही चाहिए, ये आपका मेंशन किया गया है कि आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए और साथ ही साथ आपने क्या किया होना चाहिए, आपका बीएड। सो अगर हम बात करें पीजीटी की, तो अगर आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। तो ये अब आपका कॉमन हो चुका है कि अगर आपको पीआरटी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा यानी कि डीएलएड हो, या फिर आपने बीएड किया हो, या फिर आपने बीएलएड किया हो, तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए। अगर आपको टीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो क्या करना होगा, तब आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए, बीएड होना ही चाहिए, ठीक है। और अगर आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो पीजीटी के लिए क्या हो सकता है, पीजीटी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तो ये हुआ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका एग्जाम पैटर्न, जो कि आपको ध्यान से समझना है। एग्जाम पैटर्न में हम ये देखेंगे कि कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, और आपको क्या यहाँ पर जो है कितने आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ये तीन चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, चाहे आप पीआरटी की बात करें, चाहे आप टीजीटी की बात करें, चाहे आप पीजीटी की बात करें, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है, काफी ज्यादा आपको यहाँ पर टाइम मिलता है, आप आसानी से और अच्छे से पेपर कर सकते हैं। इस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, इस चीज को आपको याद रखना है, और 0.25 मार्क्स की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 1/4 मार्क्स की आपकी यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। इस चीज को आपको याद रखना है, ये नहीं कि एग्जाम में हम बैठ गए और वहां पर हमें पता ही नहीं हमने सारा अटेम्प्ट कर लिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने जाए। अब इस 200 मार्क्स में आपको ध्यान से समझना है, इस 200 मार्क्स में आपका 20 नंबर और एक और आपका 20 नंबर ही आपका फिक्स है, चाहे आप पीआरटी में अप्लाई करें, चाहे आप टीजीटी में, चाहे आप पीजीटी में, इस 20 मार्क्स में आपको क्या होगा, पेडागोजी और सीडीपी तो पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, पेडागोजी एंड सीडीपी, जो कि मैं आपको थोड़े समय बाद पढ़ाऊंगी। जैसे ही मैं पेट का कोर्स खत्म कर लूंगी, सबसे पहले मैं आपको पेडागोजी ही पढ़ाऊंगी, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं एक एक चीज वहां पर आपको पढ़ाऊंगी। फिर हम बात करते हैं ये अगला जो 20 मार्क्स है, इसमें आपको करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स आपका तीनों में ही कॉमन है, चाहे आप पीआरटी की बात करें, चाहे टीजीटी की, चाहे आप पीजीटी की, यानी कि ये आपके 40 मार्क्स तीनों ही एग्जाम में कॉमन है। अब आपका बचा कितना, ये 40 हो गया, 200 में से जब 40 घटाएंगे यानी कि 160 मार्क्स और बचे। इस 160 मार्क्स को आपको अब ध्यान से समझना है, ठीक है। इस 160 मार्क्स की अगर हम बात करें, अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो पीआरटी में आपके 10th तक के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे इस 160 मार्क्स में। कितने मार्क्स में, 160 मार्क्स में आपको जितने 10th में आपने सब्जेक्ट पढ़, जैसे आपका सोशल स्टडीज हुआ, आपने साइंस पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, तो वो सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। और अगर हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको 160 में पढ़ना पड़ेगा। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो आपको 160 मार्क्स में पढ़ना होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि 200 मार्क्स में आपका 20 नंबर का पेडागोजी एंड सीडीपी फिक्स है, 20 नंबर का आपका करंट अफेयर्स आएगा, बाकी का बचा 160 मार्क्स। तो अगर आप पीआरटी लेवल के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपको 10th तक के सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, उन्होंने मेंशन किया है, सारी एनसीईआरटीज आपको रीड करनी होंगी थर्डली। एंड अगर हम बात करें टीजीटी की, तो उस केस में आपको जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है वो आपको आएगा, पीजीटी में आपका कंसर्न सब्जेक्ट आपका आएगा। सो ये हुआ पूरी स्टोरी आपके ईडब्ल्यूएस की। अब एक चीज और रह गई है कि क्या आपको सीटेट करना, यहाँ पर सीटेट चाहिए होगा कि नहीं। तो देखिए, जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तब तो आपका यहाँ पर सीटेट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप अपॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर तब आपको सीटेट चाहिए पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास अभी प्रेजेंट में सीटेट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है इस जो आपका 3 साल तक ये वैलिड है, फिर जब आप अपॉइंट हो जाएंगे इन 3 साल के बीच में, या फिर जब भी आप अपॉइंट हो जाते हैं टीचर के पद पर, तब आपको वहां पर सीटेट चाहिए ही पड़ेगा। पीजीटी के लिए आपके सीटेट की जरूरत है नहीं खासकर, ठीक। तो ये हुआ आपका AWS के बारे में, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक शेयर आपकी तरफ से बनता है, आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों को, तो मुझे काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।